चार बच्चों के कहने पर अपनी बूढ़ी माँ को एक वृद्ध आदमी ने छोड़ दिया था। जब वह वापस घर आता है तो फिर जो उसका चौकीदार होता है वो उससे पूछता है कि आपकी माँ कहाँ है। वो बोलता है कि मैं उसे एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। जिन ने पूछा क्यों? क्योंकि मेरे बीवी और बच्चे उससे परेशान थे। चौकीदार पूछने लगा कि वह क्या तेरे बच्चों को मारती थी? उसने बोला नहीं। क्या वो तेरी बीवी से रोज लड़ाई करती थी? उसने बोला नहीं। तो उसका कसूर क्या था? उसने तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, एक जज बनाया और तू उसे एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। जज के ये बातें दिल के अंदर गिर जाती। रात भर उसे नींद नहीं आती। अगले दिन जब वह अपनी माँ से मिलने जाता है तो आइए भजन में सुनिए कि वो जज अपनी बूढ़ी माँ से रोते हुए क्या।
और भजोगा के सूरत सिंह जी की माँ संतरा देवी, इन्होंने पहले भी 2100 रुपए दिए, 500 रुपए से फिर इस बच्चे का सम्मान बढ़ा रहे, एक बार जोर दाताली माता जी के सम्मान हो जाए। और क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जो क्योंकि से पता था कि कहीं गुरु जी नाराज ना हो जाए इसलिए उधर से निकल आया। माता बहनों ने इतना प्यार आशीर्वाद धन के माध्यम से दिया है इस बच्चे को, बहुत लाड़ प्यार दिया है। ये भावना जिनकी कोई कीमत नहीं हुआ करती, अनमोल हुआ करती, एक बार जोरदार ताली जोशीली ताली से सम्मान बढ़ाए। इतना प्यार आशीर्वाद आपका इस बच्चे के लिए हमारी मंडली के नाम। आइए अंतिम कड़ी के माध्यम से कैसे बोला क्या गाते हैं। सभी क्योंकि माता जी उधर भी बुला रही है, बुला करके अपना आशीर्वाद प्यार देना चाह रही है। हाथ को छोटे हैं इस बच्चे के पर जेब बढ़वानी दो कुर्ता में। हाथ को छोटे हैं क्योंकि हाथ में तो इतने पैसे नहीं आते, एक हाथ में माइक पकड़ना पड़ रहा है, एक हाथ में कितने नोट संभालेगा, इसलिए कुर्ता में तो जेब लगवा ली है। और कोई दिक्कत नहीं, माता बहनों का इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, ताली बजा करके अपना आशीर्वाद देते रहे। चलिए भाई कैसे Yeah.